बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, गाना गाकर ऋषि ने किया विदिप्ता को प्रपोज। मैं वैष्णवी चौधरी और आप देख रहे हैं फिल्मी किस्से। इंडियन आइडल सीजन 13 को विनर मिल चुका है। इस बार के विनर ऋषि सिंह हैं, जिनको चमचमाती ट्रॉफी के साथ 25 लाख रुपए मिले। इंडियन आइडल सीजन 13 के दौरान गेस्ट के तौर पर कुमार शानू और अनुराधा पौंडवाल आए हुए थे। तभी ऋषि की परफॉर्मेंस होने के बाद आदित्य नारायण के कहने पर कुमार शानू ने ऋषि को प्यार का इजहार करने के कुछ टिप्स दिए। दरअसल इस 13वें सीजन में ऋषि सिंह की जोड़ी विदिप्ता के साथ खूब सुर्खियों में है। कई बार अपने गानों के जरिए दोनों ने एक दूसरे को अपने दिल की बात कहते हुए दिखाई दिए, जिसको लोगों द्वारा खूब पसंद किया गया। जब कुमार शानू ने ऋषि को टिप्स के तौर पर कहा कि आज अपने दिल की बात कह दो तुम, तब ऋषि ने विदिप्ता के लिए कुमार शानू का ही सुपरहिट गाना सांसों की जरूरत हो जैसे गाया था। ऋषि ने न सिर्फ गाना गाया बल्कि गुलाब का फूल लेकर विदिप्ता के पास पहुँच गए, लेकिन जब देखा कि विदिप्ता थोड़ा घबरा रही हैं, तब उस गुलाब के फूल को चिराग को दे दिया और लास्ट में कहा, मैंने जिसके लिए ये गाना गाया उस तक बात पहुंच चुकी है, अगर फिनाले तक साथ चले तो एक दिन प्रपोज भी कर दूंगा। सर, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जिसको अपना मैसेज पहुंचाना था वहां तक पहुंच चुका है। हालांकि ऋषि सिंह और विदिप्ता के फैंस का कहना है कि यह दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। शो के दौरान भी जब आदित्य नारायण ने ऋषि की मम्मी से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा बहू चाहिए। और इनके प्यार मोहब्बत को लेकर लाखों एडिटेड वीडियो आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी तक किसी ने भी औपचारिक घोषणा नहीं की है। ऋषि अकेले घर वापस आए या वही ऋषि की इंडियन आइडल की जर्नी की बात करें तो ग्रैंड फिनाले में ऋषि के अलावा देवस्मिता रॉय दूसरे नंबर पर और चिराग तीसरे स्थान पर रहे। ऋषि के फिनाले के आखिरी पड़ाव में लाइव वोटिंग के जरिए विजेता को चुना जाना था। इस राउंड में ऋषि को ऑडियंस की तरफ से सबसे अधिक वोट मिले। जीतने के बाद ऋषि को प्राइज मनी और एक चमचमाती कार भी मिली। गौरतलब है कि इस जीत के बाद ऋषि को सोनी म्यूजिक इंडिया के साथ रिकॉर्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। अपनी खुशी को जाहिर करते हुए और अपने अनुभव को साझा करते हुए ऋषि ने बताया कि जब उनका नाम विजेता के रूप में अनाउंस हुआ तो उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। इस शो को जीतना उनके लिए किसी सपने के साकार होने से कम नहीं था। इंटरनेट देख रहे और अयोध्या का नाम वहाँ पे इतने उच्च जगह पे मैं लेके गया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार है। मुझे सोनी टीवी पे देखिए, इंटरनेट ग्रैंड फिनाले देखिए। आगे ऋषि ने कहा, इस शो से मेरा एक खास रिश्ता जुड़ गया है। इस शो ने मुझे एक अलग पहचान दी है। मैं इस शो में दोबारा आना चाहता हूं, लेकिन प्रतियोगी के रूप में नहीं बल्कि जज के रूप में। जब भी यह दिन मेरी जिंदगी में आएगा, उस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि सच में जिंदगी में कोई मुकाम हासिल किया है। इसके अलावा ऋषि ने यह भी बताया कि जब वह शो का हिस्सा बने तो उनके दिमाग में यह था कि उन्हें आखिर तक जाना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट कर अपना सुझाव अवश्य दें। ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहें फिल्मी किस्से।